तो नहीं आ रहा। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। आपका स्वागत है। आज हम जो एक लैंडमार्क जजमेंट लेकर के आए हैं इस सेशन में, उसका नाम है मिस्टर सुब्बारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीएसआर सुब्रमण्यन जो थे वो 1961 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर, और कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने 96 से 98 तक काम किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और इन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की। मैं पूरी डिटेल आपको एक बार इसकी कहानी के रूप में एक पूरी आपका बैकग्राउंड आपको बताऊंगा और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। टीएसआर सुब्रमण्यन एक साउथ के आईएएस ऑफिसर जिनको यूपी कैडर अलॉट हुआ, 1961 के आईएएस ऑफिसर और कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में भी रहे। और इन्होंने अपनी पूरी नौकरी में, लंबी नौकरी में, लंबे अनुभव के बाद ये महसूस किया कि जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं या दूसरे राज्य के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनके पोस्टिंग को लेकर के, ट्रांसफर को लेकर के और उनके नीतिगत निर्णयों को लेकर के बहुत सारे अनड्यू पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं और बहुत सारे ओरल जो है वो डायरेक्शंस मिलते हैं, ओरल उनको कहीं ना कहीं इस तरह से निर्देश मिलते हैं और वो निर्देशों की उनको पालना करनी होती है, जो बाद में एक्चुअली वो खुद जो नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं फंसते हैं और राजनीतिक दूर हो जाते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, शानदार जजमेंट दिया और बहुत सारी बातें कही कि भाई ये सारे एक पूरी बोर्ड होना चाहिए, सिविल सेवा बोर्ड होना चाहिए। आपको पता है कि 21 अप्रैल को आने वाले समय में सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा डे मनाया जा रहा है 21 अप्रैल को, पूरे देश में मनता है। और हम इस परिप्रेक्ष्य में इस केस को आज इसलिए लेकर के आए क्योंकि रिलीवेंट है और ये केस ऐसा है जिसमें ये डायरेक्शन दिए गए कि आप उनकी पोस्टिंग एक निश्चित समय सीमा के रहते रहते उनकी पोस्टिंग देंगे। उनको ऐसे नहीं कि आपने 3 दिन के अंदर अंदर एक का ट्रांसफर कर दिया, फिर 15 दिन के अंदर 3 ट्रांसफर कर दिए, 6 महीने में फिर ट्रांसफर कर दिया। एक निश्चित समय अवधि उनके सेवा की होनी चाहिए और इसके लिए एक बोर्ड होना चाहिए और वो सिविल सेवा बोर्ड की जो है वो बात की। और मैं बता दूं आपको कि सेंट्रल लेवल पर एक जो डीओपी का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का जो नियम है 2016 में, उसमें भी ये बातें सारी की सारी कही गई हैं। तो हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। जिन जिन पॉइंट्स की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में वो यहाँ पर हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंडमार्क जजमेंट की चर्चा करेंगे, क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और इसके केस के बैकग्राउंड की बात करेंगे और इसको लास्ट में समराइज करेंगे। हमारे साथ में मुकेश जुड़ा हुआ है। मुकेश, गुड मॉर्निंग। मुकेश वेलकम। रवि गुड मॉर्निंग। युवराज, समरथ, नेहा, अनुप, ओके, अरविंद दुबे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कौन कौन है, इससे पहले भी लोग आ गए हैं। हम सेशन को स्लाइटली 20 सेकेंड हम लेट थे आज सेशन में। ओके, इंजीनियर बहुत साहेब लाहने, ओके, सूर्य भान गुड मॉर्निंग, निखिल पटेल, मुकेश अगेन, मुकेश ठीक है, ये लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अनूप, निखिल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिस्टर धीरा, ओके, हमारे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर जीएल शर्मा हूँ, मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक ऑथर हूँ और पिछले 15-20 वर्षों से आपके साथ मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ। टॉप एजुकेटर्स की टीम यहाँ पर अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर और 80 से ज़्यादा एजुकेटर्स हैं जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, वो आपको टीच करते हैं। और यहाँ पर स्पेशल क्लासेज फ्री में अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज हैं और मॉक टेस्ट हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। बहुत ही इजीएस्ट वे है, एनीवेयर एनी टाइम यू कैन एक्सेस द अनअकैडमी। यहाँ पर ऐप आपको डाउनलोड करना होता है और उसके बाद में अपनी चॉइस का यहाँ पर गोल आपको सेलेक्ट करना होता है, क्लिक करना होता है और उसके बाद में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा एक मौका है अभी लॉकडाउन में। 24 मंथ्स का जो है 2 साल का सब्सक्रिप्शन बहुत ही लुक्रेटिव सब्सक्रिप्शन है। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो यहाँ पर एक कोड पूछता है, वो रेफरल कोड, क्योंकि आपको 10% का इससे फ़ायदा मिलता है। जब आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे GL10, तो उससे आपको 10% की फीस में रिबेट मिलती है, फ़ायदा मिलता है, कंसेशन मिलता है। देखिए, सब्सक्रिप्शन 1 महीने से लेकर के 24 महीने तक के उपलब्ध हैं, लेकिन 24 मंथ्स का मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये आप सब्सक्रिप्शन लें। इसमें आपको 12 महीने के कोर्स में केवल 1 महीने की फीस आपको ऐड करनी है, तो आपको 24 महीने का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिलता है। मेरा रेफरल कोड अगेन GL10 है, जिसको आप यूज करके 10% की फीस में रिबेट ले सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। ओके, शुभम, यस, शश्वत तिवारी, वेरी गुड मॉर्निंग। व्हाट इज दिस सेशन? दिस सेशन इज
हम लोग आगे, ये मेरे YouTube के वीडियोज हैं, मैं आपको बता देता हूं, ये लैंडमार्क जजमेंट बेटा लीडिंग केस का एक सेशन है जिसमें सुब्रमण्यन जो IAS ऑफिसर थे उन्होंने एक रिट दायर की थी और उस रिट पर हम ये चर्चा करेंगे। मेरे वीडियोज हैं जो लैंडमार्क जजमेंट के हैं, सीरीज है पूरी। और देखिए बहुत सारे आपको डॉक्टर GL शर्मा अनअकैडमी और फिर यूट्यूब पर, ये बिल्कुल फ्री में है, ये बहुत सारे विषयों पर है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, डाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे टॉपिक्स पर मेरे वीडियो फ्री में अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर आप उनको ले सकते हैं। देखिए ऐप पर मेरा एक कोर्स चल रहा है, स्पेशल कोर्स है जिसकी क्लास आज है, ये दो क्लास निकल चुकी हैं, आज 2 बजे ये क्लास है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन पर, और कल फिर 2 बजे भी दोपहर को ये क्लास है। दोनों क्लास हैं, दोनों लाइव हैं और स्पेशल हैं, ये फ्री में अवेलेबल है, ऐप पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर नहीं है। मेरा प्लस कोर्स चल रहा है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, ये कंटिन्यू चल रहा है, इसके 4 जो पार्ट हैं वो हो चुके हैं और ये रात को 9 बजे ये कोर्स आता है। स्पेशल क्लास 2 बजे दोपहर को और ये रात को 9 बजे आती है। ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम का कोर्स है जो प्लस प्लेटफॉर्म पर है। ओके, हमारा टॉपिक है सुभाष, अनिल, ओके गुड मॉर्निंग अनिल, राम कुमार, यस ओके। देखिए TSR सुब्रमण्यन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, इसमें कहा गया कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी हैं या जो प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी हैं, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव अनड्यू नहीं होना चाहिए, मतलब नियम के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनको कोई भी आदेश दिए जाएं, कोई भी उनको निर्देश दिए जाएं, वो लिखित में हों, मौखिक नहीं हों, उनके ट्रांसफर की, उनके पोस्टिंग की एक निश्चित पॉलिसी बने कि कितने समय तक उनको कोई पोस्टिंग दे दी है, उसके बाद में ट्रांसफर कैसे करना है, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बहुत ही इंड्यूसिव कंड्यूसिव होनी चाहिए, जिससे लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके, मोटिवेशन हो। बिना मोटिवेशन के जो है वो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर पाएगा, ये बात को बिल्कुल इसमें ध्यान रखने की बात है। तो देखिए ये क्वेश्चन एक लेकर के आए हम, ये क्वेश्चन इस केस से ज्यादा सीधा संबंधित नहीं है लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन से सीधा संबंधित है, जो IAS ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, IAS IPS IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, प्रीलिम्स एग्जाम इनका एक साथ होता है लेकिन इनका मेंस अलग होता है फॉरेस्ट सर्विस का। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनका रिक्रूटमेंट इसके थ्रू होता है। क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC इज सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया, बिल्कुल राइट, ये सही है। UPSC, मैंने आपको बताया कि जब भी किसी प्रश्न का हम उत्तर दें उसको 2 बार पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे, बिटवीन द लाइन्स पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे हिंदी में भी पढ़ें और इंग्लिश में भी पढ़ें अगर समय है तो। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि UPSC इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन सेंस दैट इट हैज बीन डायरेक्टली क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 315 और 323 पार्ट 14 में ये प्रोविजन दिया गया है, इसका कंपोजिशन है, इसकी क्या संरचना है, कैसे UPSC में अपॉइंटमेंट होते हैं और कैसे अपॉइंटमेंट के बाद में रिमूवल ऑफ द मेंबर्स और जो चेयरमैन है उसका होता है, किस तरह से महाभियोग से के माध्यम से ये होता है, ये यहां पर दिया गया। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताएं आप, सही सही सभी सही हैं क्या? इसका आंसर डी है, यहां सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये आपको पता होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट ब्यूरोक्रेसी में UPSC के माध्यम से किस तरह से। डी, वेरी गुड, यू आर ऑल ब्रिलियंट गाइज, ग्रेट, सैल्यूट। मनीषा राइट, रवि राइट, निखिल राइट, युवराज, यू आर ऑल राइट। चलिए डी आंसर है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर बताया गया, इंडिपेंडेंट बॉडी है। आर्टिकल 315 से 323 में जो है पार्ट 14 में इसका प्रोविजन किया गया है और ये UPSC से संबंधित सारी चीजें यहां पर बताई गई है। चलिए मैं बताता हूं आपको कि डॉक्ट्रिन ऑफ द स्टेयर डेसिसिस क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या है, लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड क्या होते हैं, लैंडमार्क जजमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें कॉमन लॉ को विकसित करती है। कॉमन लॉ का जो उद्विकास है, जो इसका इवोल्यूशन है, वो प्रेसिडेंट से होता है, यानी न्यायालय के पूर्व निर्णयों से होता है, और जो न्यायालय के पूर्व निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको कंसीडर किया जाता है और किया जाना चाहिए जो वर्तमान में न्यायालय कोई भी निर्णय लेता है उस समय। जज मेड लॉ भी इसको कहते हैं, क्योंकि जजेज के द्वारा ये कानून बनाया जाता है, लॉ ऑफ लैंड कहा जाता है, केस मेड लॉ भी इसको कहा जाता है, क्योंकि केसेज के माध्यम से इन नियमों की, इन इस प्रकार के प्रेसिडेंट्स की एक
धीरे 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 विकसित होते हैं, उद्विकास होता है। इससे क्या होता है कि इससे लॉ में स्टेबिलिटी आती है, जुडिशरी पूरे प्रोसेस में स्टेबिलिटी आती है, फेयरनेस डेवलप होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है और एफिशिएंसी इन लॉ ये डेवलप होता है, प्रेडिक्टेबिलिटी भी विकसित होती है। और ये पूर्व निर्णय जो होते हैं न्यायालय के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन निर्णयों को आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, सभी कोर्ट के जो निर्णय जो करता है कोर्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। इनको डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रेसिडेंस कहा जाता है, पूर्व निर्णय का एक सिद्धांत कहा जाता है। TSR सुब्रमण्यन साहब वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2013 है, ये IAS ऑफिसर थे 1961 के बैच के यूपी कैडर के, लेकिन सेंट्रल में भी ये काफी पोस्टों पर रहे और कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने सेवाएं की। बड़ा लंबा अनुभव इन्होंने जो फील किया उसके आधार पर इन्होंने एक रिट दायर की, और रिट का जजमेंट जो है वो 2013 में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया। ये DV ने जजमेंट किया, डिविजनल बेंच, नॉट डबल बेंच, इट इज डिविजनल बेंच। बेंच मीन्स खंडपीठ होती है, DV का मतलब खंडपीठ, डिविजनल बेंच। ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या इंट्रोडक्शन है, ये TSR सुब्रमण्यन साहब हैं, 1961 बैच के IAS ऑफिसर, मैं आपको बता रहा था। और इन्होंने सेंट्रल में कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में काम किया, गुजराल साहब के साथ, PM साहब के साथ, देवगौड़ा साहब के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में इन्होंने काम किया। 96 से 98 तक ये कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, लंबा अनुभव रहा। और इन्होंने एक रिट दायर की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक सिविल रिट दायर की सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसमें फिर लैंडमार्क जजमेंट आया, और वो इंडियन लीगल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है, खास तौर से ब्यूरोक्रेसी को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को लेकर के, क्योंकि सिविल सर्विस डे जो है वो आ रहा है 21 अप्रैल का, सिविल सर्विस डे पूरे देश में मनाया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं इस वीडियो को लेकर के यहां पर आया हूं। इसमें कहा गया कि और बहुत सारे पिटिशनर जो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर हैं, वो इस पिटिशनर में इंटरवीनर के रूप में जुड़े, IFS ऑफिसर, ठीक है। तो इसमें निर्णय क्या था, ये इसका बैकग्राउंड था, आपको बता दूं। इसमें कहा गया कि जो होता कमेटी की जो सिफारिश है प्रशासनिक सुधार को लेकर के, वो कहीं ना कहीं रिव्यू की जानी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है। और पॉलिटिकल इंटरफेयर से पूरी सिविल सर्विसेज को, उसकी पूरी बरादरी को, और उस पूरे ब्यूरोक्रेटिक ढांचे को, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को, उस स्ट्रक्चर को बिल्कुल फ्री रखना चाहिए। अनड्यू जो इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल का, वो पॉलिटिकल लीडर्स का, वो नहीं होना चाहिए। और जो नौकरशाह है, जो सिविल सर्वेंट है, उनकी जवाबदेही किसके प्रति होनी चाहिए, जनता के प्रति, नागरिकों के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम संविधान को हमने बनाया, आत्मार्पित किया और उसको लागू किया। तो ये क्या है, ये जनता की सरकार है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो है वो कानून बनता है, वो ऐसे ही संविधान बना, ऐसे ही हमारा लोकतंत्र बना। और हमारी जवाबदेही सीधे लोगों के साथ होनी चाहिए, नागरिकों के साथ होनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो लोग बिल्कुल कहीं पावर में हैं उनके निर्देशों की पालना किया जाना प्रत्येक अफसर का, नौकरशाह का और सिविल सर्वेंट का दायित्व होता है, लेकिन वो ऑर्डर्स लिखित में होने चाहिए, कहीं ना कहीं वो उनका एक अस्तित्व होना चाहिए लिखित में, जिससे आगे कोई भी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं वो लोग ले पाएं, क्योंकि ओरल जो ऑर्डर्स हैं उसको मानने के लिए ब्यूरोक्रेट्स बाध्य नहीं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लैंडमार्क जजमेंट में कहा। देखिए बैकग्राउंड, द ओरल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द पॉलिटिशियंस टू सिविल सर्वेंट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग दैट सीनियर सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट शुड बी मेड फॉर ए फिक्स टर्म। ऐसा नहीं आपने 3 दिन में फिर ट्रांसफर कर दिया, 7 दिन में फिर किसी का ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट द सिविल सर्विसेज बोर्ड्स, इसकी स्थापना की बात की सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोर्ड बनना चाहिए, शुड बी एस्टेब्लिश्ड टू एडवाइज ऑन द पोस्टिंग्स एंड द ट्रांसफर्स ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। इन एडिशन द पॉलिटिशियंस इन द स्टेट गवर्नमेंट्स वर सीन टू हैव बीन ट्रांसफरिंग सिविल सर्वेंट्स रिपीटेडली। ये देखा गया है कि हो जाता है। और ये कहा गया कि जो CM है, चूंकि ज़्यादातर जो DOP डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है, उसको ज़्यादातर CM साहब देखते हैं हर स्टेट में, और CM जो है वो सीधा उसको इंटरफेयर करे। दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी हाथों की कठपुतली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट नहीं बने, ये इसका मूल उद्देश्य था इस जजमेंट का। केस में क्या क्या रूलिंग दी, देखिए, ऑफिसर्स ऑफ द IAS एंड अदर ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर जो हैं और सिविल सर्वेंट जो हैं वर नॉट द बाउंड टू फॉलो ओरल डायरेक्शंस।
मौखिक आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अंडरमाइन क्रेडिबिलिटी, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सिविल सर्विस बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दिया सुप्रीम बोर्ड ने, एक सिविल सर्विस बोर्ड बने, सीएसबी बने, जिसको हेड करे कैबिनेट सेक्रेटरी एट द नेशनल लेवल एंड चीफ सेक्रेटरीज एट द स्टेट लेवल, जो मुख्य सचिव है वो राज्यों में इसको हेड करे, टू रिकमेंड द ट्रांसफर्स एंड द पोस्टिंग ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज एंड द अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, विशेष रूप से ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं उसके ऑफिसर्स को लेकर के ये डायरेक्शन यहाँ पर दिए गए। ग्रुप बी ऑफिसर्स वुड बी ट्रांसफर्ड बाई हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ये भी इसमें कहा गया, नो इंटरफेरेंस ऑफ द मिनिस्टर्स एंड अदर देन द चीफ मिनिस्टर, केवल चीफ मिनिस्टर का इंटरफेरेंस हो डायरेक्ट इन ट्रांसफर्स और द पोस्टिंग्स ऑफ द सिविल सर्वेंट एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर ये कहीं ना कहीं केवल चीफ मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर इंटरफेयर कर सकते हैं इनकी पोस्टिंग को लेकर के, इनकी ट्रांसफर को लेकर। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रिसीव्ड ए मोस्टली पॉजिटिव रिएक्शन, मेजर रिफॉर्म कहा गया, बहुत सकारात्मक जो है वो प्रतिक्रियाएं मिली पूरे देश में, और बहुत जबरदस्त इसको जजमेंट माना गया, बशर्ते कि इसको सभी स्टेट गवर्नमेंट लागू करें। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन ने और उनके सेक्रेटरी ने इसको सपोर्ट किया, फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने इसको सपोर्ट किया, प्रेसिडेंट ने सपोर्ट किया, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने सबने इसको, इस जजमेंट को एक लैंडमार्क, एक हिस्टोरिकल जजमेंट माना, इन द विद रेस्पेक्ट टू द रिफॉर्म्स इन द सिविल सर्विसेज एंड इन द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। देखिए बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके यहाँ पर स्टेटमेंट हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च उन्होंने भी कहा, ऑन द फेस ऑफ इट सुप्रीम कोर्ट इज कंटिन्यूइंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल यूजरपेशन एंड मेनी ऑर्डर्स आर प्रैक्टिकली अनवर्केबल, ये भी कहा गया कि भाई कुछ ऑर्डर्स रहते हैं ऐसे हैं जिनको जो लागू नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं उनको लागू किए जाने की आवश्यकता है। ये हमारा पूरा एक सेशन था जो हमने बताया आपको, इस केस को हम एक समराइज करने वाले हैं अभी, और ये पुराना केस यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए मेरे लैंडमार्क जजमेंट पर सीरीज ऑफ द वीडियोज हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं, ये यहाँ पर आपको लिंक भी यहाँ भेजे गए हैं। एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 2.0, हम सबको सपोर्ट करना है, बी केयरफुल, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी केयरफुल बट नॉट फियरफुल, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और उपनिषदों में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि परोपकाराय फलंती वृक्षा, ओके सुनो गौर से, युवराज मोहम्मद निजाम एंड प्रमोद शर्मा सर अटेंडेड इन ए सेमिनार ऑन आरएस डिलीवर्ड बाय यू, प्लीज मेक ए वीडियो स्ट्रेटेजी, ओके आरएस स्ट्रेटेजी के बारे में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में आप जानना चाहते हैं, देखिए राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर मेरी बहुत एक बुक है बहुत अच्छी मोटिवेशनल, आप भी बन सकते हैं आरएएस टॉपर, प्रभात पब्लिकेशन से वो छपी है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें पूरी स्ट्रैटेजी है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप उसको देखें, आप उसमें बहुत सारी किताबों के भी नाम लिखे हुए हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पूरा सिलेबस उसमें लिखा हुआ है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर के बुक है, आप भी बन सकते हैं आरएएस टॉपर, गो अहेड, ठीक है। तो उपनिषद कहते हैं कि परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय बहंती नद्यम एंड परोपकाराय दुहंती गावहें, परोपकारार्थ इदम मम शरीरम, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदी बहती है, गाय भी जो दूध देती है परोपकार के लिए देती है, अपने खुद के लिए काम में नहीं देती, दूसरों के लिए देती है, इसलिए आपको भी किसी दूसरे के लिए काम करना है, मदद करनी है, हेल्प करनी है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये हमारा परिप्रेक्ष्य रहना चाहिए, ये हमारा पर्सपेक्टिव रहना चाहिए, और ऐसे हम मदद करेंगे तभी हम सभी सुखी रहेंगे और अच्छे रहेंगे। देखिए ये मेरे लिंक थे जो लैंडमार्क जजमेंट है उस पर ये पूरी सीरीज है, पूरे सेशन को हम समराइज अभी करने वाले हैं 2 मिनट के अंदर अंदर। ये दूसरे यूट्यूब पर मेरे वीडियोज़ हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पर हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो एनवायरमेंटल गवर्नेंस हो, राइट टू प्राइवेसी हो, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, इन सब पर मेरे वीडियोज़ हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्योसेंट, साइबर सिक्योरिटी, ये यहाँ पर लिंक हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड करें, वो देखेंगे। मोहित मीना गुड मॉर्निंग, धीरज यस धीरज, ओके
आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में, बेटा लगभग सबकी स्ट्रेटेजी वही होती है, आप एक बार देखेंगे, सिलेबस थोड़ा थोड़ा अलग होता है। हिमाचल प्रदेश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम है उसमें हिमाचल प्रदेश का जीके आता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थोड़ा सा राजस्थान का जीके आता है, सभी प्रदेशों की जो सर्विसेज हैं उसमें वर्ल्ड लेवल का जीके आता है, इंडिया लेवल का जीके आता है, और उस स्टेट लेवल का भी थोड़ा बहुत जीके कहीं ना कहीं पूछा जाता है। लेकिन जो मेंस का एग्जाम है वो बेटा सब में स्ट्रेटेजी आईएएस के पैटर्न की हो गई है। आईएएस में आपको पता है कि जीएस जनरल स्टडी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो है एक ऑप्शनल पेपर है केवल, उसके दो पेपर होते हैं, एक आपको चूज करना होता है, और जीएस के जो चार पेपर्स हैं वो स्ट्रेटेजी लगभग, वो सिलेबस लगभग 80 से 90% सभी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मैच करता है। और ये पॉलिसी अब धीरे धीरे सभी यूपीएससी के पैटर्न पर लोग फॉलो कर रहे हैं, जो दूसरी पीएससीज हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं। ओके बेटा, तो आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा कि कैसे हम तैयारी करें, आप इससे एंजॉय कर सकते हैं। मेरा स्पेशल कोर्स है सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पर, आज 2 बजे क्लास है बेटा, 2 PM आज भी है और कल भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐप पर है, ये क्लास अनअकैडमी के ऐप को आप डाउनलोड करें, उस ऐप पर ये फ्री में अवेलेबल है, आप इसको देखें। प्लस कोर्स चल रहा है मेरा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड द प्रोग्राम्स, ये रात को 9 बजे आता है, डेली चल रहा है, ये 25 तक चलेगा, 26 को क्यूज है, ये आप देखें डेली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन प्रीलिम्स और मेंस सभी में आता है। एंड हिट द बेल आइकॉन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, मेरा जो रेफरल कोड है वो GL10 है, इसको आप यूज करें, आपको 10% का फीस में रिबेट मिलता है। हम पूरे सेशन को, अभी आप यहां पर बने रहें, पूरे सेशन को हम रिवाइज करने वाले हैं फटाफट 3 मिनट के अंदर। केस था टीएसआर सुब्रमणियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लीडिंग केस था। और इस केस में जो टीएसआर सुब्रमणियन साहब जो थे वो 1961 के आईएएस ऑफिसर, बहुत ही सीनियर मोस्ट, इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया, एक लंबा अनुभव इनको प्रशासनिक सेवा का था, अखिल भारतीय सेवा के ये सदस्य हैं, सदस्य थे। और इस केस में क्या कहा, इस केस में कहा कि जो सिविल सर्वेंट हैं उन सिविल सर्वेंट की जो ब्यूरोक्रेसी की सेवाएं हैं उनमें पॉलिटिकल लीडर्स का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उनको फ्री रखना चाहिए, उनकी जो ट्रांसफर और जो पोस्टिंग पॉलिसी है उस पर केवल सीएम मॉनिटरिंग करें, सीएम उनको गाइड दें, और किसी प्रकार से जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो नहीं होना चाहिए, उनको फ्री अच्छे माहौल में उनको नौकरी करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यस विनायक गुप्ता, युवराज, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग, मिस्टर शश्वत तिवारी, ओके, आप सबको फाइट करना है, यू आर द कोरोना वॉरियर्स, यू नो, ओके। तो होता कमीशन की जो सिफारिश है उनको भी कहीं ना कहीं लागू किया जाना चाहिए, इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। जो ओरल पॉलिटिकल लीडर्स जो ओरल ऑर्डर देते हैं, जो मौखिक आदेश देते हैं, जो निर्देश दे देते हैं कई बार, और उनको मानने के लिए उनको बाध्य होना पड़ता है, जो सिविल सर्वेंट हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तो वो नहीं हो, ओरल ऑर्डर्स के इंस्ट्रक्शन के स्थान पर लिखित में ऑर्डर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिटेन, रिटेन में डायरेक्शन और ऑर्डर्स होने चाहिए, तभी वो मानने के लिए बाध्य हैं, ये ऐसा होना चाहिए। जो पॉलिटिशियंस हैं स्टेट गवर्नमेंट में, वहाँ पर जो है बार बार उनके इंटरफेरेंस से सिविल सर्वेंट के रिपीटेडली ट्रांसफर हो जाते हैं, वो ट्रांसफर कहीं ना कहीं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, उन पर रोक लगनी चाहिए, और एक लॉजिकल, एक रैशनल, एक विवेकपूर्ण तरीके से उनके ट्रांसफर, उनके पोस्टिंग होने चाहिए। और इसके लिए सिविल सर्विस बोर्ड एक स्थापित किया जाए हर एक राज्य में, इसको केवल सीएम देखें, कैबिनेट सेक्रेटरी इसको देखे सेंट्रल लेवल पर, और चीफ सेक्रेटरी देखे स्टेट लेवल, ठीक है, विद द डायरेक्शंस ऑफ द सीएम, और ट्रांसफर पॉलिसी अपने हिसाब से एक बने, और ऐसी बने जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, लॉजिकल हो, रैशनल हो, और कहीं ना कहीं विवेकपूर्ण हो, कि लोगों को हरासमेंट नहीं मिले। जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए काम करने की, और कहीं ना कहीं उनको हरास नहीं किया जाए। इस पूरे जजमेंट का पूरे देश में बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन आया, और सब लोगों ने इसकी तारीफ की, और लोगों ने कहा कि इस तरह से एक हर एक की ट्रांसफर और पोस्टिंग जो पॉलिसी है, खासतौर से सिविल सर्वेंट जो है उनकी बननी चाहिए। आपको पता है 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है हमारे देश में, और ये मनाया जाएगा, इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। तो अब इसको हम खत्म करते हैं, ये मेरे लैंडमार्क जजमेंट्स पर वीडियोज़ के लिंक हैं, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे विषयों पर मेरे
वीडियोस यूट्यूब पर हैं जो बिल्कुल फ्री में हैं, आप उनको एक्सेस कर लें। ये मेरी स्पेशल क्लास है जो आज 2 बजे है, कल भी 2 बजे है, और प्लस कोर्स चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। बी केयरफुल बट नॉट फियरफुल। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे गाइज, ऑल ऑफ यू। उत्तिष्ठ है, जागृत है, प्राप्त निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड। ओके, थैंक यू, गुड लक अगेन।